कंकड़ कंकड़ शंकर इसका, प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही, ये निष्ठा थी उसके लिए। कार सेवकों ने सरयू के जल को अपने रक्त से सींचा था। संकल्प के सामने अगर कोई विकल्प ना हो तो वो संकल्प सिद्धि के दरवाजे तक पहुंचा देता है। दुराग्रह नहीं था पर आग्रह था, किसी दूसरे की जमीन पे दावा नहीं था, अपने ही प्रभु राम श्री राम की जन्मभूमि के लिए आग्रह था। देखा ना संसार ने, देख लिया कि हिंदू जाति सिर्फ माला घुमाने वाली भजनीय ही नहीं है, जरूरत पड़े तो अपने स्वाभिमान के लिए आसमान में छेद करने की सामर्थ्य भी रखती है। मैंने आपसे निवेदन किया था, मुझे विक्रम बत्रा का स्मरण आया, उन्होंने संकल्पवान होकर कहा था, मां मैं तिरंगा फहरा के आऊंगा, और अगर 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 मैं तिरंगा फहरा के नहीं आया मां, वापिस तो आऊंगा, भले ही मैं तिरंगे में लिपट कर आऊं पर वापिस जरूर आऊंगा, या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा हवाओं में नहीं फहराता, वो शहीदों की अर्पित की सांसों की हवा से फहराता है। हम जानते हैं कि भारत के शत्रु को ईश्वर भले दया करे पर भारत का सैनिक भारत के शत्रु पर दया नहीं कर सकता, वो जज्बा वो जुनून भारत की संतानों के हृदय में आज भी। इसलिए माताओं मुझे एक बात का स्मरण करवाना है आपको, विद्यावती की आंखों से आंसू बहे थे जब भगत सिंह के बलिदान हुआ था, तो लोगों ने कहा था माँ तू रोती है अच्छा नहीं लग रहा, तो विद्यावती ने कहा मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ, काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ देवियों, अपनी संतानों के चित्त में भारत भक्ति के बीज बो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें जातीय स्वाभिमान है हिंदुओं, लेकिन तुम्हारा राष्ट्रीय स्वाभिमान जातीय स्वाभिमान से छोटा नहीं होना चाहिए। मैं एक ही बात का निवेदन करने आई हूं कि तुम्हारे परिचय बहुत है हिंदुओं, पर काश तुम्हारा एक ही परिचय हो तो भारत कैसा हो। तुम गुजराती हो मद्रासी हो दुनिया भर के समाज हैं तुम्हारे, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, बस एक ही दर्द है मुझे कि तुम महासागर थे पर पोखर बनकर जी रहे हो, अपनी छोटी चीज के साथ अपनी पहचान जोड़ी है तुमने। विराट हो तुम, विराटता को पहचानो, अकेले हम बूंद हैं मिल जाए तो सिंधु हैं, अकेले हम कागज हैं मिल जाए तो किताब हैं, अकेले हम धागा हैं मिल जाए तो चादर हैं, अकेले हम ईंट हैं मिल जाए इमारत हैं, अकेले हम आत्मा हैं मिल जाए तो परमात्मा हैं। इसलिए वो भावना कहाँ, चार लोगों में भी चार तरह की बातें। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगी रही, बहुत बार बाहर निकलने का मन नहीं करता मुझे, क्योंकि मुझे पीड़ा होती है, मुझे दुख होता है। जितने लोग उतने ही डंडे उतने ही झंडे उतने ही एजेंडे, साथ नहीं चलना चाहते। सबसे बड़ा दोष है केकड़ा प्रवृत्ति। मैंने एक बार केकड़ों से बात की थी डूंगरपुर वालों, पानी के जहाज में मैं यात्रा कर रही थी तो उसमें एक डिब्बा था उसमें केकड़े थे, ढक्कन था ही नहीं। अरे मैंने कहा केकड़ो ढक्कन तो है ही नहीं, कूद जाओ सागर में। तो केकड़े बोले दीदी माँ सलाह तो अच्छी दे रही हो, पर जैसे ही एक बाहर निकलने की कोशिश करते दूसरा टांग पकड़ के पीछे खींच लेता है। इस चक्कर में एक भी सारे गांव में पंच चुन लिए गए, ये तय करना मुश्किल था कि सरपंच कौन बने। तो एक बुजुर्ग बोले सारे पंच कुएं में कूद जाओ, शाम तक जो पहले निकल आएगा वो सरपंच बना दिया जाएगा। कोई निकल पाया होगा, बोला ना
हक्के बक्के मुझे क्यों देख रहे हो? सच यही है ना? क्या है सच? जब हनुमंत लाल गए जानकी जी का पता करने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए, तो पहले कौन मिली? सुरसा मिली। उसने मुंह खोल दिया, ये दुगने हो गए, वो चौगुनी हो गई। हनुमंत लाल जी 8 गुने हो गए, वो 16 गुनी हो गई। ये 32 गुने हो गए, वो 64 गुनी हो गई। हनुमान जी ने सोचा, अरे मैं कोई सुरसा से कंपटीशन करने थोड़ी आया हूं। छोटे से बन गए, भीतर गए बाहर आ गए। अगर आप लक्ष्य सिद्धि चाहते हो तो जो पहले काम कर रहे हैं उनके प्रतिस्पर्धी मत बनना, वही टांग खींचेंगे, लील जाएंगे। कार्य बड़ा करो पर स्वयं बड़ा होने की कोशिश, समझ रहे हो कि नहीं? स्वीकार करते हो कि नहीं? दूसरी देवी कौन मिली? सिंहिका। वो पानी के भीतर रहती थी, आसमान में उड़ने वाले पंछियों की छाया जो पानी पे पड़ती थी उसको पकड़ लेती थी और जलचरी होकर नभचरों का ब्रेकफास्ट करती थी। कौन है ये सिंहिका? कौन है ये? ईर्ष्या सबके पेट में रहती है। जब तक कोई हमसे नीचा है चल जाएगा, बराबर तक आ गया तो भी बर्दाश्त कर लेंगे। एक उंगल भी ऊंचा उठा तो फिर उसका कोई ना कोई चरित्र का दूषण तलाशेंगे और उसे इंटरनेट पे प्रचारित करेंगे। ये है ईर्ष्या। फिर आगे कौन मिली? कौन मिली? लंकनी। अरे बोले, ए चोर किधर जा रहा है? हनुमान जी बोले, दुनिया के सबसे बड़े चोर की रखवाली कर रही है और मुझे चोर बता रही है। ये क्या थी? लंकिनी, भेद बुद्धि, या थारा या मारा। यहीं से तो शुरू हुआ महाभारत। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भेद बुद्धि, मेरा बस इतना सा है, बाकी ये तेरा है। बड़े भाई ने छोटे भाई के पास पुत्र भेज दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि वो शहर में रहता था। चाची ने इतना भेद किया कि बेचारे की हालत खराब, सूखी रोटियां खा खा के प्यार से वंचित बच्चा ऐसे हो गया। और एक दिन चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे और एक मरियल सा कुत्ता घर में आ गया, तो चाचा बोले, भतीजे को निकाल दे इसको घर से बाहर, कैसे मरियल सा कुत्ता है। तो भतीजा धीरे से बोला, चाचा जी लगता है ये भी अपने चाचा के घर रहता होगा तभी इसकी ये दुर्दशा हो गई। प्रवृत्तियां देखिए जरा, शत्रु कोई बाहर नहीं है, कोई गैर नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा शत्रु, पर शत्रु तो भीतर बैठा है। किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर जीना, जीने के अर्थ खो जाते हैं। इसलिए दया पर आधारित व्यवस्था कभी कुछ नहीं देगी आपको। इसलिए बच्चों को दया नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार चाहिए। ना अनाथ आश्रम की जरूरत है, ना वृद्धाश्रम की जरूरत है, और ना महिला आश्रम की जरूरत है। जरूरत है तो वात्सल्य परिवार की जरूरत है। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है? तो मैं कहती हूँ, देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितना दूर है। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ जीवन और मौत में फासला कितना है? तो मैं कहती हूँ, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना है। लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी माँ माँ को किसने रचा? तो मैंने कहा, माँ को कोई नहीं रच सकता, माँ तो स्वयं रचती है। सदा नीरा गंगा की तरह उसकी ममता और वत्सलता अक्षण होती है। और वो माँ अपनों की नहीं परायों की भी हो जाती है। कल मैं चित्तौड़ में थी, पन्ना का स्मरण आ रहा था, उदय सिंह के लिए अपने पुत्र का बलिदान करने वाली वो माँ। उदय सिंह की माँ को नहीं कोई जानता, पर पन्ना धाये को कोई भूल नहीं सकता। हस्ताक्षर अक्षुण होते हैं, मार सकेगी मौत? मार सकेगी? उनको मौत ने मारा क्या? उनके नाम को मिटा पाई क्या मौत? इसलिए कहते हैं,
क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पाथे है हमारे लिए, ये मार्ग है हमारे लिए। मैं आप सबके बीच में बैठी इसी बात का निवेदन करती अपनी वाणी को पूर्णता की तरफ ले जा रही हूं। जीवन में कभी भी वस्तुओं और पदार्थों में अपनी चित्त वृत्ति को मत उलझाना, वो सुख नहीं देती, सुविधा देती है, और सुविधा और सुख में फर्क होता है।